हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उन्हें प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन मुख्य तत्व होता है और अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर सल्फर भी मौजूद होता है। फिर उत्पत्ति की बात करें तो प्रोटीन की जो उत्पत्ति है वो प्रोटियोज शब्द से हुई है। प्रोटियोज का अर्थ क्या होता है? प्रथम या प्राथमिक। प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति है वो प्रोटियोज शब्द से हुई है और प्रोटियोज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रथम या प्राथमिक। प्रोटीन की जो एकलक इकाई है, एकलक इकाई इसे अल्फा एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। पहले जब मैंने एमिनो अम्ल पढ़ाया है आपको तो उसमें बताया था मैंने कि प्रोटीन की एकलक इकाई है अल्फा एमिनो अम्ल। प्रोटीन में पाए जाने वाले जो बंध है वो कौन से कहलाते हैं? पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। प्रोटीन में पाए जाने वाले जो बंध है वो पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। उत्पत्ति प्रोटियोज शब्द से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम या प्राथमिक। एकलक इकाइयां होती हैं अल्फा एमिनो अम्ल। फिर प्रोटीन में जो बंध पाए जाते हैं उनका नाम है पेप्टाइड बंध। याद रखना, दो एमिनो अम्ल जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, चार जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड, और बहुत सारे एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है क्या? पॉलीपेप्टाइड। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक, तो प्रोटीन में पाए जाने वाले बंध होते हैं कौन से? पेप्टाइड बंध होते हैं। प्रोटीन जो है वो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड ध्यान रखना है कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद प्रोटीन की संरचना पर विचार करें। प्रोटीन की तीन संरचनाएं होती है। एक होती है प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना क्या होती है? एमिनो अम्ल की सीधी सरल श्रृंखला जो है वो उसकी प्राथमिक संरचना होती है। एमिनो अम्ल की सीधी सरल श्रृंखला जो है वो प्राथमिक संरचना होती है। ये है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, जब ये सीधी श्रृंखला में जुड़ते हैं तो प्राथमिक संरचना बनाते हैं। ठीक, फिर बनती है द्वितीयक संरचना। एमिनो अम्लों की जो कुंडलित संरचना होती है, ध्यान रखना है कुंडलित संरचना, ये होती है द्वितीयक संरचना। एमिनो अम्लों की जो कुंडलित संरचना होती है द्वितीयक संरचना होती है, और ये जो कुंडलन में स्थिरता आती है, कुंडलन में जो स्थिरता आती है उसका कारण क्या है? एच बंध। ये कुंडलित संरचना आपको दिखाई दे रही है, और इस कुंडलित संरचना में ये जो कुंडलन है ये आपस में एच बंधों के माध्यम से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ये कुंडलित संरचना जो है, इस कुंडलित संरचना में जो स्थिरता आती है, इनके कुंडलन आपस में जो जुड़े होते हैं वो एच बंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखना कि एच बंध द्वितीयक संरचना में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना की। तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना, इनकी विशेषता क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं जो होती हैं, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, जब प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं आपस में जब जुड़ती हैं, जैसे ये दो श्रृंखलाएं आपस में उलझी हुई हैं, तो इनके उलझने से क्या बनती है? तृतीयक और चतुष्क संरचना बनती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना जो है वो कैसे बनती है? ये जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ये जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जब आपस में ये जुड़ती हैं इस तरह से, दो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जब ये जुड़ती हैं तो तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम चलें प्रोटीन के विकृतीकरण की ओर। प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या फिर अम्ल या सांद्रण लवण से क्या किया जाता है? क्रिया कराई जाती है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या फिर उसकी अम्ल या सांद्रण लवण से क्रिया कराई जाती है तो वो स्कंदित हो जाता है। स्कंदित होना मतलब जम जाता है, स्कंदित हो जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है प्रोटीन का विकृतीकरण। यदि प्रोटीन को गर्म किया जाए या फिर अम्ल या सांद्र लवण के साथ अभिकृत किया जाए, संपर्क में लाया जाए, क्रिया कराई जाए, तो वो स्कंदित हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? जम जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से स्कंदित हो जाना ये कहलाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक, और मैं आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में आ चुका है कि विकृतीकरण पर प्रोटीन की कौन सी संरचना परिवर्तित नहीं होती? तो विकृतीकरण पर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कभी भी नहीं बदलती। विकृतीकरण पर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कभी नहीं बदलती, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो इस तरह से ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट था, इसको ध्यान रखना है। इसका उदाहरण भी है, आपने देखा होगा कि अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। कच्चा अंडा जो होता है जब उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो जम जाता है और दोबारा नहीं घुलता,
तो इस तरह से हम कहेंगे प्रोटीन के विकृतीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है अंडे को उबालने पर उसके अंदर का लिक्विड जम जाना, ठीक है। तो ये प्रोटीन के विकृतीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर आगे चलते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है? अब देखिए प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन कौन से होते हैं? जो केवल अल्फा एमिनो अम्ल से बने होते हैं। जब ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर केवल क्या देते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं वो सरल प्रोटीन होते हैं। सरल प्रोटीनों के बेस्ट उदाहरण है कौन सा? एल्ब्यूमिन जो कि अंडे में पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन जो कि रक्त के प्लाज्मा में या सीरम में पाया जाता है ग्लोब्यूलिन, और तीसरा है ग्लूटिन या ग्लूटेलिन ये गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटिन या ग्लूटेलिन ध्यान रखना है गेहूं में पाया जाता है, ये आ चुका है पेपर में। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लूटेलिन या ग्लूटेन। तो एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन रक्त सीरम में पाया जाता है, और ग्लूटिन गेहूं में पाया जाता है। तीनों कौन से प्रोटीन है? सरल प्रोटीन है, ध्यान रखना। सरल प्रोटीन मतलब जो जल अपघटन पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं संयुग्मित प्रोटीन की। संयुग्मित प्रोटीन क्या होते हैं? तो ध्यान रखना है ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो एसिड, ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो एसिड के अलावा अन्य प्रोटीन भाग भी देते हैं। ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल के अलावा अन्य प्रोटीन भाग भी देते हैं उन्हें संयुग्मित प्रोटीन कहा जाता है। तो जो अप्रोटीनी भाग होता है, अप्रोटीनी भाग उसे प्रोस्थेटिक समूह के नाम से जाना जाता है। जो अप्रोटीनी भाग होता है उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, ध्यान रखना प्रोस्थेटिक समूह, ठीक। इसके बहुत अच्छे उदाहरण आपके सामने तीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें क्या होता है? प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक अम्ल होता है, मतलब यहाँ न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पर प्रोस्थेटिक समूह, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रोस्थेटिक समूह। फास्फोप्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन प्लस फास्फोरिक अम्ल, इसमें फास्फोरिक अम्ल क्या है? प्रोस्थेटिक समूह। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर प्रोटीन के साथ जो बाकी समूह है वो सबके सब कौन से है? प्रोस्थेटिक समूह। तो होगा ये संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन जो होते हैं इनमें प्रोटीन के साथ अन्य अप्रोटीनी भाग भी जुड़ा होता है, तो ये तीनों संयुग्मित प्रोटीन के बढ़िया उदाहरण है। फिर इसके बाद चलते हैं तीसरा प्रकार। पहला सरल प्रोटीन था, दूसरा संयुग्मित प्रोटीन था, तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। अब तीसरा जो प्रकार हो क्या है वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? जब सरल और संयुग्मित प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है, जब सरल और संयुग्मित प्रोटीन अलग अलग एक साथ नहीं अलग अलग जब इनका जल अपघटन किया जाता है तो विभिन्न पदों में जो प्रोटीन बनते हैं, विभिन्न पदों में जो प्रोटीन बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न प्रोटीन का नाम दिया जाता है। जैसे ये प्रोटीन चाहे सरल है चाहे संयुग्मित, कोई सा भी प्रोटीन हो सकता है, ठीक। जब इस प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो पहले बनेगा प्रोटीओसिस, फिर जब इस प्रोटीओसिस का जल अपघटन करेंगे तो बनेगा पेप्टीन, फिर जब इस पेप्टीन का जल अपघटन करेंगे तो बनेगा क्या? पेप्टाइड। और इस तरह से हम कहेंगे कि ये प्रोटीओसिस, ये पेप्टीन, ये पेप्टाइड, ये तीनों ही हमारे लिए क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन। तो प्रोटीओसिस, पेप्टीन और पेप्टाइड ये हमारे लिए व्युत्पन्न प्रोटीन है क्योंकि ये सरल और संयुग्मित प्रोटीन के जल अपघटन से बने। तो प्रोटीन और अल्फा एमिनो अम्ल के बीच प्रोटीन के टूटने से जो विभिन्न पद में ये जो छोटे छोटे हिस्से बनते हैं, ये जो पदार्थ बनते हैं, इन्हें हम व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है ना। और कुछ बातें आपको पीछे पुस्तक से भी देखनी होंगी, ठीक है। इसमें जो भी ना समझ में आए आप बता सकते हैं। ये प्रोटीन पूरा हो जाता है। अभी तक जो प्रश्न आए हैं वो संरचना से आए हैं, बल्क से आए हैं, इकाई से आए हैं, विकृतीकरण से आए हैं, ठीक। हो सकता है इधर से भी प्रोटीन पूछा जाए, ठीक है।